PRD oxygen tragedy, sometimes I think it is just an example of our totally broken health system. अभी एक UN United Nations की रिपोर्ट आई है जिसमें ये उन्होंने कहा 8 लाख बच्चे 2017 में डेथ हो गई और 6.3 मिलियन यानी 63 लाख बच्चे जो हैं वो दे कुड नॉट क्रॉस 15 इयर्स 15 साल से पहले ही मर गए 4 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस से मर जा रहे हैं 1 लाख लेडीज जो हैं सर्वाइकल कैंसर से मर जा रही हैं तो इतनी बड़ी हेल्थ सिस्टम का ये फेल्योर एक वजह ये है जहाँ तक मैंने जो इस रिसर्च में और अपने जो एनालिसिस किया है वन थिंग इज द प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड द सब सेंटर विच इज द बैकबोन ऑफ एनी मेडिकल हेल्थ सिस्टम इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है वो है ही नहीं आप चले जाइए किसी भी गांव कस्बे में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपको डॉक्टर्स जो है मिलेंगे ही नहीं सिस्टर्स जो है डिलीवरी कराती हैं और फार्मासिस्ट जो है वो पूरा हॉस्पिटल चलाता है इसके अलावा जब 1946 में जब इंडिपेंडेंस होने वाला था जब बोर कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से हमने ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया था हेल्थ फॉर यू नो हेल्थ इज़ अ राइट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया बट जो भी सरकार की पॉलिसी हो बट वट एवर इट इज़ बट सिंस 1999 टिल 2019 जो हमारी टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ GDP है 1.2 पे आके ठहर गई है और हमने एक तरह से इनडायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया है आज 81% डॉक्टर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं आज जो हमारा हेल्थ सिस्टम है 74% ऑफ हेल्थ सिस्टम इज कैटरिंग 28% ऑफ पॉपुलेशन यानी कि 74% 28% लोगों का केयर कर रहे हैं और 72% का केयर करने के लिए ओनली 26% है आंकड़ों से अगर दूर देखा जाए तो अब ऐसे समझिए कि जो गरीब है जो पिछड़े इलाके हैं जो रियली दोज पीपल हु रियली नीड दिस हेल्थ सिस्टम द गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम उनके पास हेल्थ सिस्टम पहुंच ही नहीं रहा है क्योंकि जो प्राइवेट हेल्थ सिस्टम का जो ग्रोथ हुआ है दे कैटर ओनली सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्शियरी हेल्थ केयर वो शहरों में बसे हैं वो उन डिजीज़ों का क्योर कर रहे हैं जो लास्ट स्टेज में होती है द मोमेंट किसी भी गांव वाले का जब डॉक्टर से कांटेक्ट बनता है वहाँ पे हेल्थ सिस्टम नहीं है और इसी वजह से झोला छाप डॉक्टर क्वैक्स जो हैं वो आए हैं और उन्होंने हेल्थ सिस्टम को दीमक की तरह खा रहे हैं PRD ऑक्सीजन ट्रेजिडी उसी टूटे हुए हेल्थ सिस्टम की एक एग्जांपल है जिसमें 70 बच्चे टाइम से पहले चले गए सिर्फ इसलिए गवर्नमेंट ने 70 लाख रुपए नहीं दिए थे वेंडर को वो सारे भी गरीब के ही बच्चे थे गरीब का मतलब इंडिया में वही दलित OBC मुस्लिम्स मार्जिनलाइज कम्युनिटीज आदिवासी ही आते हैं ज़्यादातर हमें अगर इम्प्रूव करना है अपने हेल्थ सिस्टम को तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस रिमोट एरिया में भी हम एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दें ताकि बीमारी का शुरू में ही इलाज हो सके बीमारी जब बढ़ के शरीर को ख़त्म करने को आए तब हम जागे नहीं हम पहले ही जाग जाएं हम पहले ही उस बच्चे को उस महिला को या किसी को भी प्राइमरी ट्रीटमेंट उसके घर के आसपास ही दे दें
और उसको लास्ट स्टेज में जाने से बचा लें। आई ट्रेवल ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड आई फाइंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी स्ट्राइकिंग दैट इज देयर इज अ स्टार्क डाइवर्जेंस इन हेल्थ केयर इटसेल्फ। आप केरला चले जाओ, आप हैदराबाद चले जाओ, आप तमिलनाडु चले जाओ, यहाँ के जो तालुक लेवल यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं दे आर डूइंग वेरी वेल। प्राइमरी डिजीज़ को वहाँ ट्रीट करते हैं, सेकेंडरी डिजीज़ को डायग्नोस कर देते हैं और उसके बाद वो रिफ़र कर देते हैं। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट जिसमें कहा जाता है कि जो इंडिया का एवरेज 34 बच्चों का है, यानी 1000 बच्चों में 34 बच्चे हर साल मर जाते हैं। केरला की बात की तो वो सिर्फ 6 है, यानी सिर्फ 6 बच्चे मर रहे हैं उस 1000 में। और जब आप यूपी की, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जो बहुत बड़ा देश है, मतलब प्रदेश है, उसकी 64 है। तो सी फ्रॉम 6 to 64। डॉक्टर्स की बात करेंगे तो एक डॉक्टर्स जो है वो करीब करीब 3500 पॉपुलेशन को कैटर कर रहा है मेट्रोज में। पर अब जब गांव में जाइएगा तो यही रेशियो 1:51,000 हो जाता है। सो वी हैव टू ओवरहॉल द आवर होल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम एंड वेयर टू बिगिन विद। टू बिगिन विद, टू स्टार्ट विद द सब सेंटर एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी कि गांव और कस्बों में एक ऐसी हेल्थ फैसिलिटी दी जाए और तब हम मेट्रोज में आए, टर्शरी केयर की बात करें। अभी मोदी गवर्नमेंट ने चुनाव 2014 में प्री इलेक्शन एक बहुत अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी की बात की थी, हालांकि वो सिर्फ बातें रह गई, अगर वो पूरी हो जाती तो इट इज़ रियली अ गुड आइडिया टू गिव टू इंश्योर एवरी ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। पर उसको लॉन्च करने में उन्होंने 4 साल लगा दिए आयुष्मान भारत को, और 50 करोड़ पॉपुलेशन को कवर करेंगे, 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस देंगे और 10 करोड़ फैमिलीज को कवर करेंगे। बट जब वो पेपर्स पे आती है बात तो ये बड़े बड़े वादे हैं, पर जब बजट एलोकेशन की बात आती है तो उन्होंने कुल 2000 करोड़ 2018 में दिए थे, 2019 में सिर्फ 6400 करोड़ दिए हैं। टू इम्प्लीमेंट एटलीस्ट 10 करोड़ फैमिलीज वी नीड एटलीस्ट 1 लाख करोड़ बजट फॉर दिस हेल्थ केयर। एक होल्ड लेते हैं।